हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ। मैंने ये पट्टियाँ काटी हुई हैं, ये मेरी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक डिज़ाइन बनाया जाए। तो देखिए, मैंने लंबी लंबी स्टेप पट्टी काट ली है, जो ये डेढ़ डेढ़ इंच के पास है। डेढ़ डेढ़ इंच की ये पट्टियाँ हैं, और जितने भी ये ज़्यादा लंबी पट्टियाँ नहीं हैं फ्रेंड्स, तो इतना ज़्यादा ये छः इंच की हमें इतने ही तक की पट्टियाँ चाहिए। अगर हमें बड़ी लगेगी तो हम उसे और भी कट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने कुछ डिज़ाइन के लिए मैंने ये ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये एक पीस ले रहे हैं। इस पीस के ऊपर हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे कि इसके हमने ऊपर ये रख लिए एक पट्टी, ये हम इसको ऐसे रख के सिलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ से रख के ऐसे सिलेंगे और फिर पलटेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर उसके बाद एक पट्टी और लेंगे, तो उसको भी हम ऐसे, उसके बाद हम इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ से सिलेंगे। तो हम इसी तरीके से पहले एक डिज़ाइन सेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें पता रहे कि हमें कौन कौन सी पट्टी लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इस तरीके से मैंने पट्टी लगा ली है, और हमें जितना भी एक्स्ट्रा चाहिए हम उतनी एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा है फ्रेंड्स कि हम कुछ भी डिज़ाइन बनाएं उसके साथ हम इस बॉर्डर को अटैच कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिल के दिखाती हूँ। पहले इसको सिलेंगे, तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये पहली पट्टी जुड़ गई है। अब हम दूसरी पट्टी जोड़ेंगे, तो दूसरी हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी दूसरी पट्टी जुड़ गई है। अब हम तीसरी जोड़ेंगे, तो तीसरी को भी हम ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। हमारा मेन मकसद क्या है फ्रेंड, हमें यहाँ से इस चीज़ को बराबर लेना है और बराबर लेके सिल देना है। बाद में जब हमारी ये सिल जाएगी फ्रेंड, तो हम नाप के हिसाब से इसको कट करेंगे। तो मैं आपको ये सारी पट्टियाँ आपको मैंने सिलना ही बता दिया है। अब हमें सारी पट्टियाँ ऐसे ही बारी बारी जोड़ के आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये काफ़ी हद तक सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इसका काटना बताती हूँ। तो हम इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम इसको यहाँ से काटेंगे कि सारे जो भी हमारा एक्स्ट्रा हुआ हम उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं ये निशान लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे। इस तरीके से, तो ये हमारा बिल्कुल सीधा आ गया। ऐसे ही हमें इधर कट करना है। तो ये 4 इंच है। तो हमने इधर से भी ऐसे ही ले लिया फ्रेंड्स। तो इधर से भी हम इस तरीके से कट करेंगे। ये हमने लाइन लगा ली है। अब हम इसको कट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट किया। अब यहाँ से कट करेंगे इसको। जब आप कपड़ा काटे फ्रेंड्स, तो इस पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस पर अच्छी सी जो ये सिकुड़न है ये अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। तो ये देखिए, हमने नीचे से भी कट कर लिया है। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से ऐसे तैयार होगा। तो हम जितना भी चाहें उतना ही इसको बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, और फिर बाद में इस तरीके से एक बॉर्डर की तरह इसको तैयार कर लेंगे। जब हमारा, देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 2 टुकड़े रखे हुए हैं एक्स्ट्रा। तो क्या करेंगे हम, इसको ऐसे जोड़ेंगे। ये हो गया, तो ये हो गया ना हमारा डिज़ाइन तैयार। तो पहले हम इसको ऐसे यहाँ से सिलेंगे, पलट देंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम इसको यहाँ से सिल देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, हमारे बॉर्डर के लिए एकदम तैयार है कि हम कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उस पर हम ऐसे ही बॉर्डर लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये मेरे पे कुछ एक्स्ट्रा पट्टियाँ थी जिससे मैंने आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाया। आप चाहे तो और भी ज़्यादा कलरफुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास कुछ कलरफुल पट्टियाँ थी, तो इस मैंने इस तरीके से दूसरा पीस भी ऐसे ही बनाया है। तो ऐसे ही बनाइए फ्रेंड्स। और अगर आपको इसी तरीके का डिज़ाइन बनाना है, तो आप इस तरीके से लीजिए। जैसे कि ये मैंने 1.5 इंच पट्टी ली है, आप इससे 2 लीजिए 3 लीजिए, और फिर उसी हिसाब से बड़ी बड़ी स्टेप पट्टी काट के डिज़ाइन बनाइए, और फिर बाद में इसको कट कर दीजिए। अगर आपको इसी तरीके से करना है, तो फिर एक बॉर्डर के तौर पर एक पट्टी लीजिए और ये 2 लाइन आपस में जोड़ दीजिए, जिससे कि ऐसे ही हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आइडिया मैंने आपको बता दिया है। अब आप ही ऐसे ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के साथ ये बॉर्डर इस्तेमाल कीजिए,
और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।